एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनिका सेजी ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेकअप फिक्सर के बारे में। उसका आज रिव्यू लेके आई हूँ। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकॉन है उसे जरूर प्रेस करना ताकि जो नए नए वीडियो अपलोड होंगे नोटिफिकेशन आप लोग देख सकेंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर के बारे में। तो ये है स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर जिसे मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा है। ये एलोवेरा विथ विटामिन ई का है, बहुत अच्छा है, स्विस ब्यूटी का अच्छा रहता है। मैंने यूज़ किया है इसलिए आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, इसे मैं आप लोगों को बता दूँगी कि इसे कैसे और क्यों यूज़ किया जाता है। तो गाइस, जो स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है ये आपको ऑनलाइन आसानी से ईजिली मिल जाएगा अगर आप लोग परचेस करना चाहेंगे तो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप लोग को परचेस करना है तो। तो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो गाइस, ये यूज़ किया जाता है आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं पार्टी वार्टी में मेकअप करते हैं तो हमें ये डर रहता है कि हमारा मेकअप जल्दी से ख़राब ना हो जाए, हमारा जो फेस है यूज़ करते हैं ताकि जो हम मेकअप किए करते हैं जो पार्टी में जाने के लिए, हम मेकअप करने के लिए आधे से एक घंटा हम टाइम लेते हैं। 1 से 2, 3, 4 लेयर हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मेकअप अप्लाई करते हैं, उसे लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो फेस है बहुत ही अच्छा दिखे, अच्छा लुक आए। खासकर समर में ये प्रॉब्लम आता है कि हमारा मेकअप जल्दी से ख़राब हो जाता है, जो फेस है वो बिल्कुल, जो मेकअप होते हैं वो पूरे निकल जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसे लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो गाइस, जो मेकअप फिक्सर है उसे आप मेकअप करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, उसे आप मेकअप करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। मेकअप करने से पहले आप इसे एक बार यूज़ कर लो, फिर पूरा मेकअप आपका हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद फिर उसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे तो जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। चाहे वो समर में हो या कहीं भी आप जा रहे हैं बाहर में भी, तो आपका जो मेकअप है वो जैसे का है वैसा ही रहेगा, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा आपका मेकअप। जो आप जो लुक करके हैं वो भी बहुत अच्छा दिखेगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो गाइस, ये जो है मेकअप फिक्सर, इसका जो प्राइस है 280 रुपीज़ का है। तो मैं इसे ओपन करके आप लोग को दिखा सकती हूँ कैसा है, ये आप लोग को दिखा देती हूँ। तो गाइस, इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है इसका। तो गाइस, इसे अप्लाई कैसे करना है वो भी आप लोग को बता देती हूँ मैं। इसे ओपन करके पूरे फेस पे स्प्रे कर लेना है। आपके आँखों को थोड़ा सा आप बचा के करना, आँखों को बंद कर लेना स्प्रे करने के टाइम। तो गाइस, इसे आप इसे स्प्रे करने के बाद हाथों से अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर ले, और अगर ब्यूटी ब्लेंडर है तो ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इसे अप्लाई कर लेंगे तो, अब ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका फेस में ये अप्लाई होगा। तो गाइस, इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं मेकअप फिक्सर का। आप मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।